भाई भाई देश देश के खाई मलाई। अरे तुम संसद में रोकोगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। तुम संसद में रोकोगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। तुम चोर बचाने निकले हो हम देश बचाने निकले हैं। तुम चोर बचाने निकले हो हम देश बचाने निकले हैं। तुम संसद में रोकोगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और उसके बाद कांग्रेस के भीतर इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और आज कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह कर रही है। पूरे देश में ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना में भी बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में जो ये आंदोलन है वो किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सर, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आप लोग आज सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे इसमें? ये गांधी का बताया हुआ रास्ता है, हमने इसका प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया था और अंग्रेजों के अधिनायकवादी प्रवृत्ति को परास्त किया था। आज देश में वही स्थिति हो गई है, कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, नियम कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता को अयोग्य कैसे कर सकते हैं? ये चीजें जो हो रही है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हमारे पास यही गांधीवादी तरीका ही है जिस माध्यम से इसका विरोध करते हैं, जनता के बीच में जाएंगे। अब कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये पार्टी हाईकमान तय करेगा आगे कार्यक्रम। आज तो सत्याग्रह का कार्यक्रम है पूरे देश में, यहाँ भी हो रहा है, आगे जो कार्यक्रम आएगा उसको हम लोग करेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डिस्क्वालीफाइड MP लिख दिया है। हाँ, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वही लिखेंगे ना। डिस्क्वालीफाई किया है बिना उनके अपील को सुने हुए, ये इससे बड़ा मनमानी ढंग से क्या बात हो? कानून का प्रावधान है कि आप ऐसे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। यहाँ आपने इंतजार ही नहीं किया, झटके 24 घंटे के अंदर फैसला ले लिया, ऐसे देश नहीं चलेगा। देखिए, कांग्रेस के MLC थे प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो ये तानाशाह रवैया है उसके तानाशाह रवैया के खिलाफ जो है ये आंदोलन जो वो है वो चल रहा है और जो जिस तरीके से सत्याग्रह के जरिए हमने अंग्रेज़ों को भगाया था उसी तरह देश में उसी तरह की स्थिति प्रवृत्ति बनी है और उसी तरह ये सत्याग्रह का कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज होगा। अभी सत्याग्रह हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी तमाम तरह जो कार्यक्रम होंगे वो किए जाएंगे और जो ये हिटलर शाही सत्ता है उसको हटाने की कोशिश हम करेंगे। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, HD News पटना।